जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि आपका फिजिकल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, जिसके अंदर आप लोगों के फिजिकल के जो लिस्ट है, जो 15 गुना की जो लिस्ट है और जो 15 गुना के अंदर जो आने वाले कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए जो जारी होने वाले हैं, उनका सितंबर लास्ट तक बोला गया है और अक्टूबर में आपके 10-15 अक्टूबर तक पूरे पूरे चांस है कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लेकिन ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आपका राजस्थान पुलिस का जो भी पैटर्न है, ये पूरा अब की बार पूरी तरह से चेंज है, पूरी तरह से बदलाव है। यानी कि इसके अंदर पेपर का पैटर्न हो या इसका फिजिकल का हो या जो भी है, उन सभी के अंदर चेंजिंग है, बदलाव है। तो उनके बारे में हम चर्चा करें और उसी के आधार पर अगर हम फिजिकल की या सभी की तैयारी करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे मैं थोड़ा सा इसका खाका है वो आप लोगों के माइंड में फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट इसकी आई रूस के फॉर्म फिलअप करवाई उसमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोगों को हो सकता है इनका पता दिमाग से निकल जाए या फिर जो भी है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूं। जैसे यहां पर आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद में आप लोगों को क्या होगा, सीबीटी वापस आपका टेस्ट होगा जो 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। इसके अंदर उसके बाद में जो विशेष योग्यता है इनके जो नंबर हैं वो 20 नंबर रहेंगे और ये 20 नंबर एनसीसी, होमगार्ड और जो पुलिस से संबंधित जो टेक्निकल जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनके ये टोटल 20 नंबर हैं और ये 20 नंबर आपके ओनली फॉर कांस्टेबल, जिला पुलिस, आईवी और दूर संचार के लिए ही रहेंगे, बाकी कैडर के लिए ये जो 20 नंबर हैं ये नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा आपका सामान्य आईबी, चालक बैंड, घुड़सवार, श्वान दल और दूर संचार, इन सभी के लिए जो फिजिकल का स्टैंडर्ड आप लोगों का दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को 5 किलोमीटर की दौड़ दी है, 5 किलोमीटर की दौड़ करना है, चाहे वो किसी भी कैडर के अंदर फॉर्म फिलअप किया हो, 5 किलोमीटर की दौड़ है वो अनिवार्य है। अब 5 किलोमीटर की दौड़ के अंदर पुरुष हैं उनके लिए कितनी है, 25 मिनट के अंदर उनको 5 किलोमीटर की दौड़ है वो पूरी करना है, महिलाओं को 35 मिनट में करना है और भूतपूर्व जो सैनिक है, एक सर्विसमैन है, उनको भी 30 मिनट के अंदर ये दौड़ है वो पूरी करना है। और उसके बाद में जो टीएसपी एरिया के संबंधित हैं, सब ट्राइबल प्लान एरिया से संबंधित हैं, उनके लिए भी 30 मिनट के अंदर ये 5 किलोमीटर की दौड़ करना अनिवार्य है। इसके बाद में दोस्तों सामान्य आईबी और दूर संचार, इनका जो टोटल है कट ऑफ वो 170 का रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन के नंबर और उसके बाद में 20 नंबर हैं वो आपके एडिशनल विशेष योग्यता के। इसके बाद में आपका जो चालक, घुड़सवार और श्वान दल है इनका 180 का रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके, 150 तो पेपर के नंबर रहेंगे और उसके बाद में 30 नंबर है वो आपका दक्षता का रहेगा, यानी कि ड्राइविंग का, घुड़सवारी का और श्वान को हैंडलिंग से संबंधित। तो ये 30 नंबर हैं आपके उसमें एडिशनल रहेंगे। उसके बाद में बैंड है, तो बैंड के अंदर आपका कोई भी पेपर नहीं होगा सीबीटी, इसके अंदर ओनली फॉर आपकी दक्षता होगी, आपका फिजिकल होगा और उसके बाद में आपकी जो विशेष दक्षता है बैंड बजाने की, तो उसके लिए आपका 30 नंबर यहाँ पर रहेगा। तो ये आपका पूरा एक मेजरमेंट है जो आपका इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ये जो 5 किलोमीटर की दौड़ है इसको 25, 30 और 35 मिनट में पूरा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो दोस्तों जिन्होंने कभी भी पहली बार दौड़ कर रहे हैं, कभी भी पहली तैयारी नहीं किया है और अभी से ही वो दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो दौड़ का तरीका है वो आप शुरू के अंदर जिस दिन भी जाएं, कोई बोल रहा है एक सुबह भी दौड़ना है, शाम को भी दौड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो एफिशिएंसी है उसके मुताबिक आप दौड़िए। आप अगर खाली एक बार मॉर्निंग में दौड़ना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में दौड़िए, इवनिंग में अगर दौड़ना चाहते हैं तो आप इवनिंग में दौड़िए। इसके बाद में आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं ये बताऊं, आप शुरू के अंदर भी 25 मिनट या 30-35 मिनट में निकालने की इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचे। आप शुरू के अंदर 2 या 4 दिन अपने बॉडी को इस दौड़ के मुताबिक है वो डालने का प्रयास करें, कि मतलब इफिशियंसी बढ़ाए खुद की, कि मैं 5 किलोमीटर की दौड़ है वो कर सकता हूँ, 5 किलोमीटर में हाथ पैर चला सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। उसमें ये आपको जरूरी नहीं है कि आपका टाइम कितना हो रहा है, कितना नहीं निकल रहा। आप बस ये देखिए पहले 2-4 दिन कि मेरे से 5 किलोमीटर की दौड़ है वो मैं बिना रुके कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जब 5 दिन तक आपका ये इफिशियंसी आपकी अगर बॉडी के अंदर आ जाएगी, बॉडी आपका इस दौड़ के अकॉर्डिंग अपने आपको मैनेज करना शुरू कर देगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे टाइमिंग के अनुसार आप अपनी जो दौड़ की स्पीड है वो आप बढ़ाए। और लंबी दौड़ है उसके अंदर ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है तो ओनली फॉर आपकी इफिशियंसी की, आप
अपने बॉडी को उस दौड़ के दौरान कितना मेंटेन रख पाते हैं, आपके सांस हो चाहे आपकी जो भी एक्टिविटी हो दौड़ के दौरान, उनको आप कितना है जो अपने कंट्रोल में रख पाते हो, यानी कि जैसे सांस फूलना, मुंह सूखना, ये जैसे, और उसके बाद में जैसे पैरों में दर्द होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाहे कोई भी कितने ही टाइम से दौड़ रहा हो या अभी दौड़ रहा हो, जब शुरू करता है तो 2-4 दिन के लिए ये परेशानी होती है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी है वो ऑटोमेटिकली आपका जो आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक डलना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में आप 4-5 दिन के बाद में आप धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ाएं और धीरे धीरे आप दौड़ की स्पीड बढ़ाएं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप आएं। और आप ऐसा करना है यहाँ पर कि ये नहीं कि 25 मिनट की दौड़ है तो आप तब तक तैयारी करें या तब तक आप पास नहीं हो सकते जब तक कि आप 25 मिनट वाले हैं वो 20 मिनट में ना आ जाए, या 35 मिनट वाले हैं वो 30 मिनट में ना आ जाए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लंबी दौड़ है वो आराम से दौड़ना होता है, बस इफिशियंसी बढ़ाना आपके अपनी बॉडी की। छोटी दौड़ के अंदर ज़्यादा पावर लगता है, छोटी दौड़ में ज़्यादा परेशानी होती है, बड़ी दौड़ में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप बस अपने शरीर की क्षमता बढ़ाना है। अब आप 25 मिनट की दौड़ है, अगर आप यहाँ पर 25 मिनट का टाइम निकालेंगे तो भी आप वहाँ पर आराम से 25 मिनट के अंदर अंदर दौड़ आप वहाँ पर कर लेंगे, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप अभी से ही ऐसे मत इंतजार में रहिए कि मेरा जैसे एडमिट कार्ड आएगा और जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, अभी पता नहीं कट ऑफ कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। जिसने भी इसमें फॉर्म फिलअप किया वो सभी तैयारी करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कितने पे मेरिट कितने पे कट ऑफ जाए, किसी को नहीं पता है, सभी अपना आइडिया बता रहे हैं, सभी अपना एक जो एनालिसिस है वो बता रहे हैं। तो एनालिसिस आइडिया जरूरी नहीं है कि 100% फिट बैठे, आप जो भी फॉर्म फिलअप किया वो सभी फिजिकल की तैयारी करें, सभी रनिंग की तैयारी करें और मैंने जैसे बताया वैसे करें। बाकी जो दौड़ के और भी कुछ गुर हैं जो आपको ध्यान रखना है ये मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको और बताऊंगा, जिससे आपके सांस भी कम फूलेगी, आपको दौड़ के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ये सभी मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तब तक आप दौड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपनी भर्ती के अंदर आगे सब जो आपका सपना है उसको साकार करने के लिए अग्रसर होते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।